नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, आइए नजर डाल लेते हैं। खबर गाजीपुर से है जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ पीड़ितों को संबोधित किया। आपको बता दें कि सीएम योगी ने कहा है कि सरकार बाढ़ पीड़ितों के साथ है, वहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी हैं, साथ ही बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री प्रदान की जा रही है। आपको बता दें कि सीएम ने अधिकारियों को पीड़ित की मदद के सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं सीएम योगी ने कहा है कि किसानों की हर संभव मदद की जाए। सीएम ने गाजीपुर में बाढ़ के हालातों का जायजा लिया और जिला प्रशासन के अफसरों के साथ मीटिंग भी की। वहीं मुहम्मदाबाद में सीएम योगी ने अष्ट शहीद इंटर कॉलेज में राहत सामग्री भी बांटी। सभी बाढ़ प्रभावित परिवारों को ये 15 दिन का राहत किट उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें चावल है, आटा है, दाल है, तेल है, नमक है, मसाले हैं, मोमबत्ती है, देसलाई है, आलू है और लाई चना भी है। खबर लखनऊ से है जहां कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा है यूपी की जेलों में बंद दहेज और अन्य छोटे मामलों में बंद कैदियों को सुलह समझौता कराने के बाद रिहा कराने के प्रयास किए जाएं। आपको बता दें कि सांसदों और विधायकों से इस संबंध में वार्ता की गई है, साथ ही उन्होंने कहा है कि ऐसे मामले देखने में आए हैं जो आपसी समझौते से हल हो सकते हैं, लेकिन बातचीत न होने की वजह से आज भी जेलों में बड़ी संख्या में लोग बंद हैं। उन्होंने कहा है कुछ मामलों में समझौता होने के बाद राशि का भुगतान नहीं होने से कई कैदी बंद हैं। इनको छुड़ाए जाने के लिए समाज सेवी संस्थाओं से बात की जा रही है। ऐसे कई संस्थाएं सामने आई हैं जो इन विचारधारा बंदियों की मदद करेंगी। पूरे उत्तर प्रदेश की सभी जनपदों का जेल का भ्रमण करने के बाद फिर उस पर हम बैठ के रिसर्च करेंगे और सोचेंगे कि क्या होना चाहिए। वैसे मैं आपके माध्यम से एक जानकारी देना चाहूँगा कि एक BHU के एक छात्र ने रिसर्च किया है हमारे मंत्री बनने के बाद में जेलों में क्या परिवर्तन हुआ है। रिसर्च करने के बाद उसने एक लेख लिखा है दैनिक जागरण में 27 तारीख में, राष्ट्रीय स्तर पर वो छपा है। उसमें लिखा है उसने कि उत्तर प्रदेश की जेलों में जो परिवर्तन देखने को मिला है वो सभी राष्ट्रीय स्तर से सभी प्रदेश में, सभी देश में और आगे बढ़ाया जाना चाहिए। खबर लखीमपुर खीरी के विजुआ ब्लॉक से है जहां शारदा नदी के जलस्तर बढ़ने से भूमि में कटान से लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। आपको बता दें कि पशुओं के चारे का संकलन उत्पन्न हो गया है, साथ ही गांव में जलभराव होने से लोग काफी परेशान हैं। इसके साथ ही लोगों को कई तरह की बीमारियों का खतरा बना हुआ है। किसानों की मांग है कि सरकार से उनको कोई राहत पैकेज मिले तो वो अपना जीवन यापन कर सके। साथ ही बाढ़ से किसानों को खून के आंसू रोना पड़ रहा है। मेरा थाना लखीमपुर जिला खीरी रहने वाली जिला बुजुआ, अब मेरी यही उम्मीद है सरकार से कि सरकार नहीं बंधा लगवा रही है तो हमारे कोशिश करे हमको लोगों को कहीं जगह दी जाए और दो बिस्वा दी जाए तो हमारे बच्चों की गुजारा हो जाएगी जी। हम लोग कहाँ जाएंगे, और पिछले साल हमारे यहाँ इतना पानी भर गया और कोई देखने नहीं आया। ये सब 2 महीने से कटान हो रहा है बराबर, यहाँ कोई प्रशासन देखने नहीं आया। कितनी जमीन कट गई होगी? लगभग हजारों एकड़ जमीनें कट गई हैं। खड़ी फसलें ऐसे गन्ने की धानों की बराबर जमीन में जा रही है नदी में, उसकी कोई रोकथाम करने नहीं। खबर औरैया से है जहां राजस्व अधिवक्ता एसोसिएशन की 6वें दिन भी हड़ताल जारी रही। आपको बता दें कि मांगों को लेकर हड़ताल जारी है। वहीं एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे ने बताया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सभी अधिवक्ता अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल करने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि हड़ताल के चलते सरकार को लाखों रुपए के राजस्व की हानि हो रही है। उन्होंने विरासत के मामले में भारी भरकम अवैध वसूली किए जाने की भी बात कही। साथ ही ऐसे भी अधिकारी हैं जो अवैध रूप से सौदेबाजी करते हैं। कई ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जो जल्द से जल्द सुलझाए जाए, साथ ही समस्याओं का निराकरण न होने तक सभी अधिकारी हड़ताल करने को मजबूर हैं। अगर उनकी मांगे पूरी ना हुई तो आगे भी हड़ताल पर जारी रखेंगे। हड़ताल का मुख्य कारण है तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, अधिकारियों का काम न करना, जबकि विरोध में हम सभी लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं और ये हड़ताल मेरी अनिश्चितकालीन है। जब तक कोई सक्षम अधिकारी आके हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं करेगा तब तक हड़ताल अनवरत चलती रहेगी। ये हड़ताल आप लोगों ने कब से चालू की है?
ये हड़ताल लोगों की 26 अगस्त बात भी है जो की अभी बराबर चल रही है। ये आप लोग हड़ताल क्या कारण ऐसा है? ये कारण इसलिए है कि जनपद औरैया की तहसील औरैया में भ्रष्टाचार अपार है। कोई अधिकारी कोई कर्मचारी जो काम 2000-1000 में होना चाहिए उसकी 50-50 हज़ार रुपया की रकम लेकर के हो रही है। मेलबंदी एक हमने भी दिव्यापुर की डाली थी, उसमें अतिम कुशरा जी ने 2 लाख रुपया की मांग करी। जी हाँ, तो आप लोगों ने इसकी मर जा क्या इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की है? वो मुक्किल करेगा, मैं क्यों करूँगा, मैं तो अधिवक्ता हूँ भाई। नहीं, जो हड़ताल बैठे हो उसके अलावा मतलब जो भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार चल रहा है यहाँ पर बताया, हाँ इसीलिए हम लोग सभी लोग स्ट्राइक पे हैं। यहाँ पे जो है चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है तहसील के अंदर, और जहाँ सरकार निरंतर भ्रष्टाचार मुक्त अपने प्रदेश को बनाना चाहती है वहीं पर अधिकारी और कर्मचारी यहाँ बेलगाम है। और लेखपाल तो बेलगाम में ऐसे हैं कि जहाँ पर कुछ जो है 10 रुपये का काम आए 1000 रुपये रिश्वत की लेते हैं और काम भी नहीं करते। आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है, आम जनमानस बहुत परेशान है। हमारी मांग यही है कि इन भ्रष्टाचार इन कर्मचारियों के ऊपर अंकुश लगाया जाए और माननीय और डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य जी का कार्यक्रम और यहाँ लग रहा है। हम लोग चाहते हैं कि हमें समय दिया जाए और हम उनसे वार्ता करें। गाजियाबाद के टोनका सिटी क्षेत्र में दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर गड्ढे में गिरने से एक युवक की मौत हो गई। सड़क किनारे बना ये खूनी गड्ढा सरकारी विभागों की लापरवाही का जीता जागता सबूत है। वहीं युवक की मौत के बाद परिवार ने प्रशासन और पुलिस पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, वहीं मामले की जाँच चल रही है। ये किसी कारण लेट हो गया, 1 घंटे हमने ढूंढा खूब से नहीं मिला, पता लगा यहाँ गड्ढे में जी, हमने खुद निकाला। ये गड्ढे में से 10 फुट गहरा गड्ढा था जी, 2 आदमी लगे 3 आदमी लगे जब जाकर निकला जी, एक पे किसी पे बस नहीं, अब गड्ढा भर रखा है। हमें कुछ नीचे भी इंसाफ नहीं जी। गड्ढा किसका है, किसने खोद रखा है गड्ढा? रोड वालों खुदा उठा जी, जो रोड बना रहे। सड़क वालों की इतनी लापरवाही थी, यही गड्ढा ही मोड़ पर अग्रोल लगाऊं और पंचलोक गांव को 2 गांवों को जोड़ने वाले रास्ते पर गड्ढा 11 फुट का। ये लड़का 11 बजे अपनी फैक्ट्री से काम कर गया रहा, एक्स्ट्रा ड्यूटी कर गया मजदूरी पे, हाँ एक्स्ट्रा मजदूरी कर गया रहा, रात को किसी कारण से लेट हो गया। अंधेरे में इतनी धूल है यार, किसी भी टाइम आ जाओ कोई पैदल वाहन वाला किसी को रास्ता नहीं दिखेगा। खबर सुल्तानपुर से है, जहां पूजा पंडालों और घरों में गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी को घर में लाया गया, वहीं विघ्नहर्ता का विधि विधान से पूजन किया गया। आपको बता दें कि गणेश महोत्सव में 11 दिनों तक पंडालों में पूजा पाठ की धूम रहेगी। इसके साथ ही बड़ी संख्या में लोगों ने घरों में विधि विधान से पूजा अर्चना कर गणपति बप्पा की प्रतिमाओं को स्थापना की। विधि विधान से पूजा पंडालों में स्थापित गणपति प्रतिमाओं का मंत्रोच्चारण के साथ नेत्र पूजन किया गया। आपको बता दें कि गुरुवार गणेश महोत्सव में अब सुबह शाम पूजा पंडालों में गणपति की होने वाली आरती एवं महोत्सव में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी। साथ ही DM आवास के सामने VKNS मॉल में 12 फीट ऊंची बप्पा की मूर्ति स्थापित की गई है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस बार उत्साह थोड़ा ज्यादा है क्योंकि पिछले सालों में कोविड लगातार रहा, तो जिससे तमाम प्रतिबंध रहे, तमाम चीज़ें नहीं आ पाई यहाँ से वहाँ तक। इस वजह से एक प्रतिबंधित रूप में गणेश उत्सव मनाया गया था, इस साल ये प्रतिबंध नहीं है। इस वजह से हम लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है और हर तरफ उत्साह देखने को मिल रहा है। पंडाल बन रहे हैं, घरों में गणेश जी की प्रतिमाएँ सज रही हैं और लगातार ये पूजन चलेगा। VKNS मॉल में हम लोग रख रहे हैं गणपति आज पहली बार इस साल, और इसकी अब हर साल रखा जाएगा। और हम लोगों ने प्रण लिया था कि बहुत साल पहले रखेंगे, लेकिन कोरोना काल हम लोग को विलम्ब हो गया, तो अब से शुरुआत है। और ये जो मूर्ति है ये मेरी मान्यता लालबाग राजा मुंबई में जो है उनसे मान्यता, तो उससे प्रेरित ये मूर्ति रखी गई है। और सुल्तानपुर वासी सब लोग आएँ दर्शन करें, 1.5 दिन का गणपति है ये, आज स्थापना है, 3 बार इसकी 2 बार आरती रहेगी इसकी, कल 1 आरती और फिर विसर्जन है।
खबर हरदोई से है, जहां मेडिकल कॉलेज में डीएम ने निरीक्षण किया। आपको बता दें कि इमरजेंसी वार्ड में पहुंचने के दौरान जब उन्होंने किसी के फेस मास्क नहीं देखा तो उन्होंने अपना ही रुमाल निकाल कर चेहरे से बांध लिया। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब जिले के सबसे बड़े अधिकारी के साथ ये सलूक है तो आम पेशेंट के साथ किस तरह व्यवहार किया जाता होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। खबर फरीदाबाद से है, जहां स्टेडियम से प्रैक्टिस करके लौट रहे एथलीट खिलाड़ी को चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। खिलाड़ी की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि मृतक खिलाड़ी ने महज 16 साल की उम्र में 206 मेडल जीत चुका था। मृतक का सपना 2024 में ओलंपिक में भारत को गोल्ड दिलाना था, लेकिन सपना पूरा न होने पहले ही हत्यारों ने उसकी जान ले ली। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और जो जिस तरह बच्चे अपना वहाँ एथलीट की तैयारी करने जाते हैं, आगे से कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को ऐसे मैदान में दौड़ने के लिए नहीं भेजेंगे, सबको खतरा है। पुलिस के साथ एक चश्मदीद था, जिन्होंने इन्होंने बताया कि ये चश्मदीद जो है ना आंखों देखी देखा है। उसके बताने के मुताबिक हमारा बच्चा साइकिल से आगे जा रहा था, उससे पीछे एक साइकिल चल रहा था। कुछ सुनसान जगह पर उसको टक्कर पीछे से मारता है और हमारा बच्चा गिर जाता है। काली सेंड वाला साइकिल बाएं तरफ और गिरते के साथ ही वो संभलता, उससे पहले ही वो चाकू निकालता है, उसको गोद देता है। मेरा बच्चा चिल्लाता है जोर से कि बचाओ बचाओ बचाओ, तो देखने वाला लड़का उसके पास जब तक आता है तो ये लड़का जो है ना अपना साइकिल छोड़ के भाग जाता है। उस हमले में इसको दो चोटें लगी हैं और उन दो चोटों के बाद ये जब ज़मीन पे पड़ा रहा तो एक राहगीर ने 112 पे कॉल की और 112 पहुंची और 112 इसको तुरंत हॉस्पिटल लेके आई, जहाँ कुछ समय बाद इसको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अभी इस संबंध में हम अनुसंधान कर रहे हैं और ये सब बातें जब तफ्तीश पूर्ण हो जाएगी तभी हम आपको बता पाएंगे। खबर श्रावस्ती से है, जहां डिप्टी सीएम ऋजस पाठक दो दिवसीय दौरे पर हैं, जहां डीएम और एसपी के साथ ही भाजपा जिलाध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष ने डिप्टी सीएम का स्वागत किया। वहीं डिप्टी सीएम ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में कटरा में भाजपा नेताओं के साथ संवाद किया, उनकी समस्याओं को सुना और निराकरण का भरोसा दिया। अभी हम लोग माँ सीता के द्वार पर आए हुए हैं, लवकुश जी की जन्मस्थली पर आए हुए हैं। इसको पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप किया जाएगा और यहाँ पर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। श्रावस्ती जनपद को हम शीर्ष दर्जे पर लाने के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ का चतुर्मुखी विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी दिक्कतें हैं उनको हम दूर करेंगे। सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल, आम आदमी के जीवन में बदलाव आए उसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। खबर सुल्तानपुर से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष राजनीतिक जीवन पूरा होने पर मंत्री नंदगोपाल नंदी आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे, तो वहीं पार्टी जिलाध्यक्ष ने पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ उनका स्वागत और अभिनंदन किया। यहीं पर कुछ फरियादी उनके पास अपनी पीड़ा लेकर पहुंचे, साथ ही प्रशासन तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाने से हैरान परेशान फरियाद से कैबिनेट मंत्री बेहद अभद्र अंदाज से मिले। उनके इस अंदाज पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी असहज दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश को हम 2017 से 2022 तक उत्तम प्रदेश बनाए हैं, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, इसके लिए लगातार हम और पूरे उत्तर प्रदेश सरकार, हमारा विभाग काम कर रहा है। और गुजरात मॉडल, गुजरात में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस वक्त मुख्यमंत्री रहते हुए काम किया, उसका ही नतीजा है कि 2014 में पूरे देश ने झूम करके वोट दिया और एक मजबूत हाथों में इस देश की बागडोर थी। खबर गाजियाबाद से है, जहां प्राचीन दूधेश्वर नाथ मंदिर में गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। बीते 2 साल से कोरोना वायरस के चलते गणेश उत्सव की चकाचौंध भी फीकी पड़ी थी, लेकिन इस साल दूधेश्वर नाथ मंदिर में गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है।
आपको बता दें कि गणेश उत्सव के दौरान दूधेश्वर मंदिर में 21,000 लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा। गणपति जो है कि रिद्धि सिद्धि बुद्धि दाता है, और जो भी विद्यार्थी हो कुछ भी हो तो गणपति जी को पहले पूजा अर्चना किया जाता है, और 33 कोटि देवता ने भी गणपति जी को अग्र पूजा का अधिकार दिए हैं। तो प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारा मंदिर में महागणपति जी का पूजा अर्चना किया जा रहा है, और रोज़ जो है कि 1100 लड्डुओं का भोग लगेगा, और जिस दिन विसर्जन होगा उस दिन 10,000 का लड्डू का टोटल 21,000 लड्डू का भोग लगाने की महाराज का आदेश है, और महाराज के आदेश के अनुसार ही हमारे यह मंदिर के सारे गणपति जी का जो उत्सव है बड़ा धूमधाम से मनाया जा रहा है। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां मैलानी पुलिस अधीक्षक ने मादक पदार्थ बिक्री पर कड़ी कार्रवाई की, तो वहीं मादक पदार्थ बेचने वाले एक युवक की गिरफ्तारी भी की। बता दें कि आरोपी युवक के पास 25 ग्राम स्मैक भी बरामद की गई, साथ ही आरोपी पर पहले भी कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। खबर शाहजहांपुर से है, जहां बरेली मुरादाबाद खंड के सपा विधान परिषद ने पार्टी कार्यालय पर बैठक की। इस मौके पर सपा नेता ने कहा कि स्नातक के वोटों को बढ़ाकर विपक्ष को कमजोर करें। इसके साथ ही भाजपा सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा, आज महंगाई आसमान छू रही है पर सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है। वहीं इस मौके पर सपा के कई और मंत्री कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने मुझे बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का प्रत्याशी बनाकर भेजा है, और मैं 9 जनपदों में जाकर समाजवादी पार्टी के पक्ष में ग्रेजुएट वोटों की अधिक से अधिक संख्या में बने, जिससे कि ये समाजवादी पार्टी चुनाव जीत सके। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।